हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अभिक्षा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस मिशन 2023 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक की कड़ी में हम लोग बेसिक समझ चुके हैं, अनिश्चित समाकलन की कड़ी चल रही है। समाकलन की विधियां मैं आप लोगों को बताया, जिसमें से पहला विधि मैं बता चुका हूं प्रतिस्थापन। आज हम लोग बताएंगे आंशिक, आज मैं बताऊंगा भाई हम लोग कैसे आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। तो देखेंगे ध्यान से, लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये पूरा मैं बताया था कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। यहाँ पे क्या है, टी की वैल्यू रख लेना आप लोग, इसको ऐसे रख सकते हो। देखो लास्ट क्वेश्चन था, ये होमवर्क था, आप लोग से बन जाना चाहिए। यहाँ पे ना टी को कहा है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देते हो तो इसका क्या होता है, ध्यान से देख लो क्या है? आप लोग को ये पता था -1/2 ई की पावर क्या है, माइनस टी, ये लिखा मैं माइनस, ये टी है ना, टी की वैल्यू रख दो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस टी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग छोड़ते तो ऐसा मतलब गलत नहीं होता, पर फिर भी क्वेश्चन अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पूछा है तो आंसर भी देना चाहिए। क्लियर है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं था, बस टी की वैल्यू पुट करना था। तो ठीक है, आज हम लोग हेडिंग डालो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ये जो है ना, ये जो विधि है ना, ये सब जो विधियां हैं, ये आपका ना कैलकुलेशन ईजी बनाता है, ये आप लोग का कैलकुलेशन ईजी बनाता है। तो इस एक वीडियो में दो क्वेश्चन लूंगा मैं, दो क्वेश्चन में कंसेप्ट आप लोग को क्लियर कराऊंगा। तो ध्यान से देखो, आप लोग को इस टाइप का फॉर्म दिया रहेगा कि इसका ना आप लोग को इंटीग्रेशन करना है। अब देखो ये भयंकर टाइप का दिख रहा, अगर ऐसा आया इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग क्या करेंगे, ये परिमेय फलन का रूप है ऐसा दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना आंशिक भिन्नों के रूप में बदल लेंगे। तो ध्यान से देखना, इसमें ना ये देखो अंश बटा हर है। इसके अंश से मेरे को कोई मतलब नहीं है, हमने एक नया अंश निकालते हैं, यहाँ पे नया अंश निकालते हैं, ध्यान से बस देखते रहना। तो अगर आप लोग को इस फॉर्म में आएगा, आप अंश बटा हर होता है ना, हर को बस देखिए, सबका हर को, डिनोमिनेटर को देखिए, न्यूमरेटर को मत देखिए, अंश को मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ हर को देखिए। अगर हर में ऐसा रहा, ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, सब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। अगर आपका एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी है, ऊपर में कुछ भी रहे, तो आप लोग आंशिक भिन्न के रूप में इसको तोड़ सकते हो। तो कैसे लिखेंगे, ए बटा इतना, कैपिटल ए बटा इतना प्लस कैपिटल बी बटा इतना। ये देखो कैपिटल ए बटा ये प्लस बी बटा ये। क्लियर है क्या यहाँ पे बात, क्लियर है क्या बात? तो मैं क्या किया, कुछ नहीं, जो परिमेय फलन का रूप था उसको मैं किसमें बदला, उसमें मैं किसको बद, मैं किसमें बदला उसको, इसमें बदल दिया, आंशिक भिन्न के रूप में बदला मैं। ये इसके केस में, अगर यहाँ पे स्क्वायर रहा, यहाँ पे क्या रहा है, स्क्वायर रहा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ए कुछ भी कांस्टेंट हो जाता, हो सकता है 10, 20, 50, 60, हमको क्या मतलब। तो अगर ए माइनस किसी एक कांस्टेंट है उसका होल स्क्वायर रहा, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे देखो ए बटा एक्स माइनस ए की घात एक, प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए की घात दो। देखो एक की घात दो ही तक है ना, दो में रुक जाएंगे हम। तो अगर ऐसा है तो मैं इसको ऐसा निरूपित करूंगा, अभी क्वेश्चन में सब समझ में आएगा। सिमिलरली अगर यहां पे ऐसा है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, तो पहले वाले के जैसा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस C अपॉन एक्स माइनस सी। ये देखो प्यार से देखो, ये ठीक है। अब अगर मैं सब में ये कर रहा हूं तो इसमें भी ये करता हूं, समझ में आया, बस इसके रूप में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब अगर इस टाइप का हुआ देखो, पहला और दूसरे का मिक्सन है, मिक्स है ये पहले और दूसरे का, तो मैं क्या करूंगा, देखो एक्स माइनस ए की घात दो है, तो ए अपॉन एक्स माइनस ए की घात एक प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए की घात दो, दो है तो दो तक गया मैं, ये देखो। फिर उसके बाद ये वाला भी तो टर्म है, तो प्लस c अपॉन इतना करूंगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और भी फॉर्म है, लेकिन ना आप इसको सीखो पहले, क्लियर है क्या, ये आप लोग को सीखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर वन में लिया। अब आप लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको समाकलन करो, बस ऐसे दिया रहेगा, या निम्न का मान ज्ञात करो, बस यही रहेगा। अब मैं लिखा नहीं हूं का मान ज्ञात करो, सर लिखा नहीं हूं भाई, आपको बेसिक बताना मेरा फर्ज है और वही बता रहा हूं मैं। तो ध्यान से देखो, अब मैं लिखा सॉल्व,
अब जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। पहला स्टेप था मेरा बेसिक फार्मूला, जो आप लोगों को पहले वीडियो दूसरे वीडियो में करवाया। तो बेसिक फार्मूला में क्या मैं आप लोगों को फार्मूला लिखाया हूँ, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस टू का, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू का नहीं लिखाया। तो पहले लेवल से तो बनेगा नहीं, तो दूसरे लेवल में जाओ। दूसरा लेवल होता है प्रतिस्थापन, जो इससे जस्ट पहले किए। तो आप बोलोगे सर दो दो फंक्शन दिख रहे, तो आपको किसको टी मानोगे बताओ, किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिख रहा है। एक्स प्लस टू को अगर आप लोग टी मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन वन दिखेगा, फिर इसका क्या करोगे, किसी एक को टी मानो और उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो ये वाला मेथड भी गया, ये वाला मेथड भी गया। अब तीसरे में आएंगे, तीसरे लेवल में आएंगे आंशिक रूप में देखेंगे कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो आप लोग देखोगे हाँ कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। तो इसको बताऊँ कैसे लिख सकते हो आप, ये देखो ध्यान से बस देखते रहना। अंश से कोई मतलब नहीं है आपको, अंश से कोई मतलब नहीं है। ये x प्लस एक, ओके सर, और यहाँ पे x प्लस दो, ये इसको आंशिक रूप में लिख रहा हूँ। आंशिक रूप में इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना क्या लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a अपॉन एक्स प्लस वन, प्लस b अपॉन क्या है, x प्लस टू, ये लिख सकता हूँ मैं, हाँ लिख सकता हूँ। अभी सीख के आया, ये पहला वाला लगा, ठीक है। ऊपर में कुछ भी हो, ऊपर का मत देखो, ये है ना a अपॉन एक्स प्लस वन, बी अपॉन एक्स प्लस टू, अब ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, a और b का हम लोग को क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखते रहना। तो ये मेरा मेन है, ये वाला मेन, ये जो है ना, ये भाई साहब जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं लिखा dx, क्या दिया हुआ है dx, यहाँ पे मतलब वन है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है ना, देखो अब क्रियाकलाप क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन को अभी हटाओ, तो ये क्या है, वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ठीक है क्या। ये मैं पूरा ना काम, अभी ये जो पूरा काम है ना, ये a और b की वैल्यू निकालने के लिए कर रहा हूँ, फिर a और b की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे और इसी का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इसको मैं कैसे लिखा, मैं अभी dx और इंटीग्रेशन को छोड़ दो, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखा x प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू, ये मैं ऐसे लिखा, ध्यान से बस देखते रहना। अब मैं इसका लघुत्तम निकालूंगा, इसको ऐसे लिख दिया एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, इसका मैं लघुत्तम निकालूंगा लघुत्तम, तो इसका लघुत्तम आएगा एक्स प्लस टू, लघुत्तम निकालना आता है ना, इसको भाग दो इससे, तो ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचा एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू का गुणा ए से होगा, तो ए अपॉन एक्स प्लस टू प्लस, इसको इससे भाग दूंगा तो एक्स प्लस टू कट जाएगा, तो क्या बचा एक्स प्लस वन, तो बी के साथ गुणा कर दो एक्स प्लस वन का, ध्यान से देखना। हमेशा इसका ये अंश बटा हर होता है ना, इसका जो हर है और इसका हर हमेशा कैंसल होगा। देखो यहाँ पे भी सेम क्वांटिटी x+1 x+2, यहाँ पे भी x+1 x+2 बराबर के इधर उधर अगर सेम क्वांटिटी होता है सेम प्लेस में तो कट जाता है। तो क्या बचा, आप ध्यान से देखो क्या बचा, जबरदस्त तरीके से देखते रहना, बहुत अनोखा चीज होने वाला है आप लोग की लाइफ में, ठीक है। अब बचा क्या, यहाँ पे तो एक बचा, यहाँ पे ना एक बचा, ये एक बराबर यहाँ पे क्या बचा है ए x+2 प्लस बी x+1, यही बचा क्या, ए x+2 प्लस बी x+1 ब्रैकेट में है ना। अब ए का मैं गुणा कर रहा हूँ अंदर, ए का गुणा कर रहा हूँ, ये होगा ए एक्स और ये हो जाएगा ए का गुणा दो के साथ, तो 2a प्लस बी एक्स प्लस बी, कुछ ने ब्रैकेट के अंदर गुणा किया। अब हम लोग को ध्यान से देखते रहना है। अब आप लोग बताओ x की हाइएस्ट घात क्या है। सर x की ना हाइएस्ट घात एक है, कुछ नहीं है तो एक है, x की हाइएस्ट घात क्या है एक। तो मैं सबसे पहले तुलना करूंगा x की हाइएस्ट घात क्या है एक, ठीक है, जीरो तक जाना है मेरे को। अगर मान लो x की हाइएस्ट घात क्या होती दो, तो एक्स स्क्वायर फिर उससे कम x की पावर वन फिर x की पावर जीरो तक जाना है, x की पावर फोर हाइएस्ट होती,
तो x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, x की पावर 0 तक जाना है। तो यहाँ पे क्या है, x की पावर 1, तो हम लोग को 0 तक जाना है। ये x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर 0, ये। अब मैं क्यों लिखा हूँ, x की पावर 1 और x की पावर 2 मेरे को क्या करना है, इनका तुलना करना है। तो जहाँ जहाँ पे भी x की पावर 1 है इस पूरे इक्वेशन में, उसको मैं लूंगा। यहाँ पे x की पावर 1 है क्या, यहाँ पे x की पावर 1 है क्या, नहीं है तो 0 डालो, नहीं है तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे x की पावर 1 उसका गुणांक लेना है ना, x की पावर 1 का गुणांक लेना है, गुणांक लेना है। यहाँ पे है कि इसके पास x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 का गुणांक लेना है, तो x की पावर 1 का गुणांक क्या है, a। यहाँ पे x की पावर 1 है क्या, x की पावर 1 है क्या, नहीं है तो 0, नहीं है तो 0। यहाँ पे है कि x की पावर 1 हाँ है, तो इसका गुणांक ले लो, तो इसका गुणांक ले लो, इसका गुणांक है b। यहाँ पे है कि x की पावर 1 नहीं है तो 0, तो क्या आया, 0 इज इक्वल टू a प्लस b, a प्लस b। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब, x की पावर 0 मतलब 1 होता है, ठीक है। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जिसके पास x नहीं है उसको लेना है, जिसके पास x नहीं है उसको लेना है। क्या इसके पास x नहीं है, क्या इसके पास x नहीं है तो ले लो, ले लो, इसके पास x नहीं है ले लो। इसके पास x है क्या, हाँ है, तो मत लो, मत लो, मत लो। इसके पास x नहीं है क्या, हाँ नहीं है, तो ले लो इसको, ले लो। इसके पास x है क्या, है तो मत लो, इसके पास नहीं है तो ले लो। ये हो गया। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गया, मेरे पास दो इक्वेशन आ गया, पहला इक्वेशन आ गया और दूसरा इक्वेशन आ गया, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। अब मैं इक्वेशन, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इक्वेशन वन और टू को, इक्वेशन वन और टू को मैं क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। देखना, दसवीं वाली चीज़ याद दिलाऊंगा। तो इक्वेशन वन क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्या है, टू ए प्लस बी इज इक्वल टू वन। घटा रहा हूँ तो साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस बी और माइनस भी कट गया, प्लस बी और माइनस भी कट गया। ए माइनस टू ए, ए माइनस टू ए होगा माइनस ए, माइनस ए इज इक्वल टू जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन होगा माइनस वन। माइनस माइनस कट गया तो ए की वैल्यू क्या आई, वन, ए की वैल्यू आई वन, ए की वैल्यू निकल गई। अब बी की वैल्यू निकालना है, तो ए की वैल्यू समीकरण एक में मैं डाल देता हूँ, ए की वैल्यू समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक से लिख देता हूँ, समीकरण एक से, तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू रख दो ना, ए की वैल्यू रख देता हूँ एक, प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो बी की वैल्यू क्या आई, बी की वैल्यू आई माइनस वन। अब इसमें रख दो आप लोग, अब इसमें रख दो, मेरा अब आई तो यही है, ए की वैल्यू क्या आई, कहाँ है, ए की वैल्यू आई सर वन, ये क्या है, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, ठीक है। प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू माइनस वन, माइनस वन, एक्स प्लस टू, ये एक्स प्लस टू, ठीक है। ये मस्त ब्रैकेट में डालता हूँ डी एक्स। अब इसको मैं तोड़ के लिख देता हूँ, इसको ऐसे तोड़ के लिख रहा हूँ मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, प्लस और माइनस माइनस होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस, माइनस वन एक्स प्लस टू डी एक्स। क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखना, वन बाई एक्स हो, वन बाई एक्स हो, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर वन बाई एक्स डी एक्स हो तो ये भी लॉग बेस ई एक्स होता है प्लस सी, और ये एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला। और अगर अगर वन बाई एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट हो, यहाँ पे कांस्टेंट को मैं सी डैश से दिखा रहा हूँ, कांस्टेंट का मतलब नंबर, कोई भी नंबर हो और डी एक्स हो, तो इसका भी होता है लॉग एक्स, लॉग बेस ई एक्स प्लस सी, दोनों का सेम होता है। तो यहाँ पे क्या आया, वन बाई एक्स होता तो लॉग एक्स डाल देता, अगर वन बाई एक्स प्लस कोई नंबर है तो भी लॉग एक्स होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर डायरेक्ट, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वन बाई एक्स होता तो लॉग एक्स होता। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये होगा, ध्यान से देखते रहना, यहाँ पे जो है वो होगा, यहाँ पे क्या है, वन बाई एक्स, एक्स प्लस सी डेस प्लस सी होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वन अपॉन एक्स होता तो लॉग बेस ई एक्स, वन अपॉन एक्स प्लस वन है तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग बेस क्या है, एक्स प्लस वन, डाल दो एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, फिर क्या है माइनस, तो माइनस लिख दो, वन अपॉन इतना है तो डाल दो लॉग बेस ई एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू प्लस सी इज आंसर, प्लस सी इज आंसर, हो गया आंसर, हो गया, क्या बेहतरीन चीज, समझ में आया। तो कैलकुलेशन आसान करने का तरीका है, तो जिसको भी समझ में नहीं आया होगा, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो आप लोग, ये क्वेश्चन देखो, दिल दहला देने वाला क्वेश्चन। सर सबसे पहले ना, सर इसको क्या करना है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ,
I इज इक्वल टू, सर आप क्या करो, 3x अपॉन सर x प्लस 2 और x माइनस, माइनस है ना, सॉरी x प्लस 1 है, ये लो सर। सर इसको हम लोग बताऊँ कैसे लिख सकते हैं, सर इसको ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सर, a अपॉन x प्लस 2 प्लस प्लस b अपॉन x प्लस 2, सॉरी हाँ x प्लस 2 ये x प्लस टू यही है, ये dx, क्लियर है क्या, सब वही चल रहा है, x प्लस 2, अरे ये x प्लस 1 है, क्या है 2 मेरा फेवरेट है ना, क्या है 2 मेरा फेवरेट है, ध्यान से एक बार मिला लो भाई, 3x, x प्लस 2, x प्लस 1, तो ये आंशिक रूप में मैं करा, तो a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 1, अब सारा गेम मेरा ना इस पर टिका है, a और b की वैल्यू मेरे को निकालना है, तो क्या करता हूँ, इसको चुपचाप उतार लेता हूँ मैं, बिना कुछ सोचे समझे, इंटीग्रेशन का साइन नहीं लेना है, dx को नहीं लेना है, x प्लस 2 यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको चुपचाप उतार लेता हूँ, a अपॉन x प्लस टू प्लस बी अपॉन x प्लस वन। अब मेरे को मालूम है ना दोनों का हर कटेगा, तो कोई बात नहीं, लघुत्तम निकालो और हर को काटो, 3x, x प्लस टू x प्लस वन, लघुत्तम इसका क्या आएगा, लघुत्तम आएगा इसका x प्लस टू, ठीक है, तो x बाई टू कट गया, तो x प्लस 1, तो a का मल्टीप्लाई क्या होगा, ये लघुत्तम है भाई, अब लघुत्तम तो आप 9वीं-10वीं से सीखते आ रहे हो, ये आपको नहीं बताया जाएगा कि कैसे आ रहा है ना, ये आप लोगों को नहीं बताया जाएगा, ठीक, ये आया, अब ये और ये तो टाटा बाय बाय हो गया, ये और ये तो टाटा बाय बाय हो गया, तो यह बचा 3x इज इक्वल टू a x प्लस वन प्लस, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, ए का गुणा इसके साथ, बी का गुणा इसके साथ, देखो वही हुआ है, ए का गुणा इसके साथ, देखो ए का गुणा इसके साथ करूंगा ए एक्स प्लस वन ब्रैकेट में ना, प्लस बी का गुणा किसके साथ करूंगा इसके साथ, तो हो जाएगा बी ब्रैकेट में एक्स प्लस टू, क्लियर है, बस चीज़ों को ना देखते जाओ सब बनेगा, ये क्या बचा बी एक्स प्लस टू, क्लियर है क्या, अब ए और बी का अंदर ना गुणा कर देता हूँ ना, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू ax प्लस a प्लस bx प्लस 2b। अब x के हाईएस्ट घात क्या है, एक है, तो x के हाईएस्ट घात है, तो x की हाईएस्ट घात ये, और x जीरो तक जाना है, अब देखो जिसमें जिसमें x है उसको लूंगा, इसमें x है क्या, सिर्फ गुणांक लेना, हाँ है तो 3 इज इक्वल टू, इसमें x है क्या, हाँ है, इसमें x है क्या, नहीं है तो 0, इसमें x है क्या, हाँ है तो b, सिर्फ गुणांक लेना, इसमें x है क्या, नहीं है 0, तो क्या बचा 3 इज इक्वल टू a प्लस b समीकरण एक, इसमें ध्यान से देखो x की घात 0 जिसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है क्या, इसमें तो x है तो 0 लिखो, है तो 0, नहीं है तो उसको लिख दो, ax इसमें भी है यार तो 0, अब इसमें x है क्या, नहीं है सर तो उसको लिख लेते हैं, इसमें x है क्या, सर है तो 0 लिख दो, क्योंकि हम लोग तो x की पावर 0 कर रहे हैं, x की पावर 0 मतलब जिसमें x नहीं है उसको बस लेना है, इसमें x नहीं है क्या, हाँ सर नहीं है, लिख दो, क्या बचा तो 0 इज इक्वल टू a प्लस 2b, ये ना समीकरण दो, अब समीकरण एक और समीकरण दो को मैं घटा रहा हूँ, तो समीकरण एक और समीकरण दो से देखो क्या क्रियाकलाप होगा, कहीं ना कहीं मैं जगह निकाल के कुछ ना कुछ तो करूँगा, ध्यान से देखो, तो समीकरण एक क्या है मेरा, a प्लस बी इज इक्वल टू 3, आप लोगों को लिखना है समीकरण एक और समीकरण दो को घटाने पर, ठीक है, आप लोगों को लिखना है, और समीकरण दो क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू 3, ठीक है, घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, अगर देखो कोई कटते नहीं दिख रहे ना, तो हम लोग घटाते हैं और साइन चेंज कर देते हैं प्लस माइनस मिलाने के लिए, तो ये प्लस प्लस है तो इसको माइनस करो, सबको घटा दो, तो ये हो गया प्लस ए और माइनस ए, प्लस ए माइनस ए कट गया, बी माइनस टू भी क्या होगा, माइनस बी, ये तीन तो नहीं होगा यहाँ पे, पक्का बता रहा हूँ, जीरो है, बोला ना यहाँ पे जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, यहाँ पे ये जीरो है, तो टू माइनस जीरो 2 होगा, 2 माइनस 0 2, एक बार मिला लेता हूँ, ये तो 3 है यार, शिट, तो ये 3 होगा, क्लियर है क्या, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 3 और ये है a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, ओके क्या, तो ये कट गया, b माइनस 2b माइनस b, 3 माइनस 0 इज 3, तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस को इधर कर दिया, तो b की वैल्यू आया माइनस 3, ये b की वैल्यू आया माइनस 3, b की वैल्यू आया माइनस 3, a प्लस b इज इक्वल टू 3,
ए प्लस टू बी इज इक्वल टू जीरो, घटा दिया सबको साइन चेंज किया, ये कट गया, ये माइनस बी थ्री, तो बी की वैल्यू आई माइनस थ्री, माइनस को इधर पक्षांतर कर दिया। अब बी की वैल्यू मैं समीकरण एक में रख देता हूँ, तो आप लोग लिखोगे बी की वैल्यू समीकरण एक में रखने पर, बी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो रख देता हूँ, तो ये तीन आया इज इक्वल टू ए, बी क्या है, बी की वैल्यू क्या है माइनस थ्री, तो माइनस थ्री को इधर ले जाऊंगा तो प्लस थ्री हो जाएगा, तो थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू आई सिक्स, ए की वैल्यू आई सिक्स, बस इसमें रख दो ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू इसमें रख दो, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ए और बी की वैल्यू बस रख दो, ए और बी की वैल्यू बस रख दो, ए और बी की वैल्यू बस रख दो, तो आई ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है सिक्स, सिक्स अपॉन, सिक्स अपॉन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू प्लस 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 बी की वैल्यू माइनस थ्री, माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, ये डी एक्स, डी एक्स। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, आपने इन दोनों को तोड़ सकते हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, सिक्स लॉग, लॉग बेस ई एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, माइनस और प्लस माइनस होता है, माइनस, तो तीन बटा इतना है, तो तीन लॉग, लॉग बेस ई एक्स प्लस वन प्लस सी इज आंसर, ये हो गया आंसर, खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। तो यहाँ पे घबराना नहीं, कांस्टेंट को मैं बाहर कर दिया, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, तो एक बटा एक्स प्लस टू बचा, एक बटा एक्स होता है तो लॉग एक्स होता है, मैं बोला एक्स के साथ कोई भी कांस्टेंट हो ना ले लो, लॉग एक्स है ना, एक बटा एक्स तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स, लेकिन कोई कांस्टेंट है तो एक बटा एक्स प्लस कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट, कुछ दिक्कत नहीं, इस माइनस थ्री को बाहर कर लिया तो क्या बचा एक बटा एक्स प्लस कांस्टेंट, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट और प्लस सी, तो क्वेश्चन खत्म। तो आंशिक वाला भी मैं आप लोगों को करवा दिया, आंशिक वाला भी करवा दिया, अगले वीडियो में खंडशह समाकलन कराऊंगा और अनिश्चित समाकलन पूरा खत्म करा दूंगा, उसके बाद आप लोगों को निश्चित समाकलन, तो दो वीडियो बचे हैं, दो वीडियो में बच्चों, दो वीडियो में ये अध्याय खत्म हो जाएगा, दो वीडियो में अध्याय खत्म हो जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच।